मुझे फल खाने की इच्छा हो रही है। ओके फल, तो दादा आप मेरे लिए कोई फ्रूट्स लेके आएंगे? हाँ अभी बाजार से ले आऊंगा। बाजार से तो मैं भी लेके आऊंगी, मुझे ताजे ताजे फ्रूट खाने हैं, तो मुझे एकदम पेड़ वाले जो लगे हुए हैं वैसे फ्रूट चाहिए। अच्छा, पेड़ पे से सच में चढ़ जाएंगे क्या? वीडियो में जानेंगे कि सहेली कामले जी के टीम मेंबर सितीश सक्सेना को क्या चैलेंज मिला है दोस्तों, और कौन चैलेंज दिया है, और चैलेंज देने वाले को क्या पनिशमेंट मिला है जानने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सितीश सक्सेना का जो चैलेंज दिए हैं वो है पवनदीप राजन। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन कुछ अलग इनको चैलेंज दिए हैं। इनको ये चैलेंज दिए हैं कि वो तो यूपी पीलीभीत से है और हिंदी बहुत ही अच्छा खासा जानते हैं, लेकिन इनको मराठी नहीं आता है, और सहेली कामले जी मराठी है, मराठी आता है। तो इनको बोला गया कि आप मराठी गाना सुनाइए, अपने लैंग्वेज में तो आप सुनाते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा गाना गाता है सितीश सक्सेना, लेकिन उनको तो थोड़ा टफ देना पड़ेगा ना, तो लैंग्वेज का वो बदल दिए। तो इस तरह से पवनदीप राजन बोले कि आप मराठी गाना सुनाइए, थोड़ा हिंदी भी मिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से जो है सितीश सक्सेना दोस्तों अमेजिंग सिंगिंग किया और जो है खरा उतर गए अपने जो चैलेंज से, वो जो है सुनाए एक मराठी सॉन्ग सुनाए, तो इस तरह से वो खरा उतर गए। उसके बाद दोस्तों आया मज़ा। जी हाँ दोस्तों, सहेली कामले जी हो जी है, उनसे बोले पवनदीप राजन बोल रहे हैं कि आप जल्दी से मुझे चैलेंज दे दीजिए कि क्या चैलेंज है, रुकिए थोड़ा सा मैं अच्छे से आप लोग आपको चैलेंज दूंगा। तो सहेली कामले जी सेट पे जाने के बाद वहाँ पे वो बोल रही है कि आपको मुझे फल खाने का मन कर रहा है, तो आप मुझे कहीं से फल ला दीजिए। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि उसके बाद पवनदीप राजन बोलते हैं कि मैं चलिए मैं बाजार जाके मैं ला देता हूँ आपके लिए फल। तो सहेली कामले जी बोल रहे हैं कि नहीं मुझे बाजार से फल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पेड़ से फल चाहिए। तो इस तरह से सेट किया गया दोस्तों, कैमरा वहाँ पर शूट किया गया। तो वहाँ पर पवनदीप राजन गए, उसके बाद वो जो है सहेली कामले जी का था कि चैलेंज था कि पनिशमेंट था कि उनको पेड़ पे चढ़ के सेब तोड़ना था, ठीक है। तो वो जब बाहर गए, उसके बाद बाहर सेब का पेड़ यहाँ पे कहाँ मिलेगा आप ही सोच सकते हैं, और पत्ता भी नहीं मिल रहा था दोस्तों, ठीक है, पत्ता भी सेब का पेड़ से मैच नहीं कर रहा था। तो सहेली कामले जी हो सकता है मतलब हो सकता है नहीं वैसे ही किए हैं। तो जब पवनदीप राजन गए, उसके बाद उठ के पेड़ पे उठ गए, चढ़ गए, ठीक है। चढ़ने के बाद वो सेब तोड़ के पहले खा लिए, उसके बाद दो सेब ले लिए दोस्तों, ठीक है, 200 सेब ले लिए। और जब आए वो बोल रहे हैं कि पत्ता जैसा लगा ही नहीं सेब का पत्ता जैसा। तो यहाँ पे सहेली कामले जी किए थे कि लटका दिए थे फल को, ठीक है, उस तरह से लटका दिए थे। उसके बाद वहाँ पे लाए दोस्तों, उसके बाद सहेली कामले जी को दिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि दूसरा फल किसके लिए है। तो दूसरा फल बोल रहे हैं कि आप ही जाके दे दीजिए जिसका है, तो थोड़ा बहुत होते रहता है तूतू में। तो इस तरह से जाके नेहा मैम को दे दिए जो एप्पल था। तो बोल रहे कि इसको दे दिए आप, तो इस तरह से अरुणिता खांजीलाल को देने वाले थे। तो इस तरह से होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत नोक झोंक होता रहता है, मिर्च मसाला नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों, इस तरह से जो है पवनदीप राजन के साथ पनिशमेंट हुआ। और भी मैं आगे आप लोग को बताता रहूँगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और भी अगर आप लोग सिंगिंग ऑडिशन के बारे में जानना चाहते हैं, डांसिंग ऑडिशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा रॉयल टेक यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें भी मैं अपडेट्स देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो।